राजनीतिक प्रेरित रहा है सब जितनी भी जांच है। ये ईडी सीबीआई का मिसयूज है देश के अंदर पहली बार। हमने तो सोचा मोदी बहुत बढ़िया आदमी होगा, अरे इससे इससे बेकार आदमी हमने देखा। सारे जो चोर इकट्ठे हो गए ना, अब बीजेपी में आ गए, अब जो सयादी है वो तो ज्यादा लग रहेगा। सारे चोर इकट्ठे हो गए बीजेपी में जा रहे हैं, क्या करें? अब ठीक आदमी बच रहा बीजेपी का, भला आदमी अब बच रहा है। बीजेपी का कहना है कि जो विपक्ष में सारे दल हैं वो परिवारवादी दल है। अभी परिवारवादी ये राजनाथ कौन सा परिवारवादी नहीं है? पीयूष गोयल किसका है? रजनीश गोयल लड़ रहा जो एमपी में है चुनाव, वो कौन सा ना भैया? सब परिवारवादी है। अरे अपने घर में जाके देखो तुम्हारे यहाँ कितने परिवारवादी हैं, दूसरे को भाषण दे रहे हैं या नहीं है? तो बेकार इनके झाड़ू लग चुकी है। आप लगाओ ऐसी गांव में दो चार वोट तो होते हैं, बाकी झाड़ू लग चुके। ओखली राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को आपस में जातियों में बांट रहे हैं। आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, हरियाणा में इन्होंने जाटों के खिलाफ सारी जातियों को एकजुट कर दिया है। तो जाट क्या हिंदू नहीं है जिनके खिलाफ इन्होंने बाकी जातियों में जहर भर के उनके खिलाफ कर दिया है? गुजर क्या हिंदू नहीं है? जिस गुजर ने इस देश की आन और बान शान के लिए काम किया, 1857 की क्रांति में गुजरों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, आज गुजरों को इन्होंने नेस्तनाबूत कर दिया हर राज्य में। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर राजपूत चीफ मिनिस्टर है, मध्य प्रदेश के अंदर राजपूत चीफ मिनिस्टर है। हमें राजपूत चीफ मिनिस्टर ही क्यों परेशान कर रहे हैं? ये भी बड़े सोचने की बात है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हम पे ट्राइबल एक्ट लगवाया था। अंग्रेजों के साथ मिलकर इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी, मुगलों के साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी। इनको वही आदत पुरानी पड़ी हुई है कि गुजरों को नेस्तनाबूत किया जाए। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ चाचा आपसे, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये चाचा एक चीज बताइए, अगले साल लोकसभा चुनाव है 2024। आपने दो बार गलती कर दी मोदी को। एक मिनट मैं सवाल पूरा होने दीजिए। तो अभी मैं बात कर रहा था लोगों से, तो अगले साल के चुनाव में दो गठबंधनों के बीच में पूरा चुनाव जाता दिख रहा, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा आपका एनडीए गठबंधन। तो जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी ने ये कहा कि जातिगत जनगणना समाज को बांटने का काम करती है, सबकी एक ही जाति है हिंदू। इस पर आपका क्या सोचना? हमारा सोच ये है, अगर हिंदू ही जाति है, यानी अब ये लगाओ ये तो हिंदू जाति का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या ये हिंदू नहीं था? बाद ये उद्धव ठाकरे जिसके पेट में छुआ दे दिया इसने, हैं? और ये भैया ये काली दल कौन है? ये भी तो हिंदू ही है, हैं? ऐसे कहते हिंदू जम चलेगी, इनको राजा बनाते रहो, हम इनके जूते साफ करते रहे, हमने ठेका ले रखा है इनका, हैं? हम तो किसी कीमत पे भी इनको राय नहीं देंगे, हम ना देंगे तो बिल्कुल भी राय। पहले बीजेपी को सपोर्ट, अब क्या गांव में सुबह साफ कर देंगे इसका, अब नहीं देंगे। सभी चीज कर रही है, अब तो सभी से नाराज हो गए, ऐसी अंधेरे में जा रही है। यहाँ बैठे चुप, गांव से नहीं चल रहा, इनकी बिल्कुल झाड़ू लग चुकी है। अच्छा एक बात, आपने झाड़ू का जिक्र किया, अभी पीछे संजय सिंह को गिरफ्तार किया, आप लोगों को पता होगा आपके सांसद हैं, अगले साल चुनाव है। एक आंकड़ा मोटा मोटा ये है कि विपक्ष के लगभग 250 से 300 नेताओं पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, इस तरह की जांचों को आप कैसे देखते हैं? एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रेरित रहा है सब जितनी भी जांच है। ये ईडी सीबीआई का मिसयूज है देश के अंदर पहली बार। हमने तो सोचा मोदी बहुत बढ़िया आदमी होगा, अरे इससे इससे बेकार आदमी हमने देखा। सारे जो चोर इकट्ठे हो गए ना, अब बीजेपी में आ गए, अब जो सयादी है वो तो ज्यादा लग रहेगा। सारे चोर इकट्ठे हो गए बीजेपी में जा रहे हैं, क्या करें? अब ठीक आदमी बच रहा बीजेपी से, भला आदमी अब बच रहा है। बीजेपी का कहना है कि जो विपक्ष में सारे दल हैं वो परिवारवादी दल है। अभी परिवारवादी ये राजनाथ कौन सा परिवारवादी नहीं है? पीयूष गोयल किसका है? रजनीश गोयल लड़ रहा जो एमपी में है चुनाव, वो कौन सा ना भैया? सब परिवारवादी है। अरे अपने घर में जाके देखो तुम्हारे यहाँ कितने परिवारवादी हैं, दूसरे को भाषण दे रहे हैं या नहीं है? तो बेकार इनके झाड़ू लग चुकी है। आप लगाओ ऐसी गांव में दो चार वोट तो होते हैं, बाकी झाड़ू लग चुके।
परिवारवाद जो आरोप है बीजेपी का, जेपी नड्डा ने भी अभी दो दिन पहले आरोप लगाया कि विपक्ष के सारे दल परिवारवादी हैं, इनको वोट देंगे तो परिवार का भला होगा, बीजेपी को वोट देंगे तो देश का भला होगा, इस पर क्या? नहीं, बीजेपी परिवारवाद तो बीजेपी में भी है भाई, परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। नेता का लड़का नहीं सही बन रहा, और इसमें यूं अच्छा हुआ जब बीजेपी में लग रहा था आदमी चोर है, इसमें आते ही दो दया हो जा, हमारे यहाँ के साथ जितने नेता है ना सब सब बीजेपी में भाग गए, जो ठीक ठीक नेता है सब बीजेपी में भाग गए, क्यों? उन्हें अपनी चोरी बचानी है, जो सही है वो तो अपना कोई दिक्कत ही ना, वो खड़ा झंडा लिए हुए। मेरा सवाल एक मैं बताता हूँ आपको, आप लगाओ पहले जमाना कुछ हो रहा, 14 में राय मोदी को थी, बहुत बड़ी आदमी होगा, कुछ सुधार होंगे, 19 में कई सही आदमी है दे दो, लेकिन ये बताओ दूसरे को तो परिवारवाद बताता है, ये कास्ट में कास्ट को बांट रहा है, हिंदू धर्म को जातियों बांट रहा, रोहिणी कमीशन क्या है जो इन्होंने रिपोर्ट मिला के रखी है? हाँ, हमने फिर भैया हम क्यों वोट देंगे सर? आप लगाओ हमारा कुछ तुक बनता है, हम तो भैया उसे देंगे जो हमारी सुनेगा। अच्छा, मैं आज स्थिति ये है हमारे देश में, हम किसी काम को लखनऊ चला कोई हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, ये नहीं हम गुजर है, चाहे हम हरिजन है, चाहे हम देवर है, माली है, कोई भी है, किसी भी जात से, ये मेरा ही दर्द नहीं है, ये टोटल सभी बिरादरियों का, योगी सरकार में अगर कोई या बीजेपी सरकार में कोई सुनता हो। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, देश की अधिकतर पार्टियां, बुरा मत लगाना आपको, जाति की राजनीति तो करती है, ठीक है, देश की अधिकतर पार्टियां जाति की राजनीति कर रही है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, हर जगह जाति की राजनीति चल रही है, आपको लगता है कि जो सपा है या आरजेडी है या जो दूसरे दल है वो जाति की राजनीति भी ठीक से कर पा रहे हैं? कितना बेहतर होता अगर अखिलेश यादव ये कहते, सुन लीजिए, कि आप सपा को वोट दो सारे जाति के लोग, और जो बेहतर व्यक्ति होगा उसको शीर्ष नेतृत्व पे सबसे ऊपर बिठाया जाएगा, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए पार्टी? देखो जी, हमें तो यह अखिलेश गवर्नमेंट भी सही थी, जायज काम थे, कम से कम उनके पास चले तो जाते थे, आज तो हम किसी के पास जा ही नहीं सकते, यहाँ चले गए दिल्ली तक, जब मोदी के हिंदुस्तान में जितने एमपी हैं कोई मोदी से कुछ चल नहीं कर सकता, ये छोटे मोटे आदमी छोड़िए बात किसकी सुनेंगे, जब ये अपने मंत्री तक नहीं सुनते, ये हम देख ला रहे, ये आपको हमें पूछने की जरूरत ना हमें बताने की, हम देख ला रहे पागल थोड़ी है। आज हम खाने लेगा अखिलेश के नाश को, अखिलेश जो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे रहा पढ़ा लिखा, एकदम मुलायम सिंह नारा होगा, शिवपाल नारा होगा, राम गोपाल नारा होगा, उसकी चलानी पढ़े लिखे की, ये बुढ़े बुढ़े अड़ जावे उसकी चलने ना देवे बेचारे की, तो अखिलेश की छवि जो खराब हुई थोड़ी, अरे अखिलेश आज भी अपनी जगह ठीक है, इसमें सिर्फ गुजर ही ना है, ये जाट है, हम गुजर है, ये भी सैनी है, ये सभी ना ऐसे नहीं बुलाए हुए, रोष है सबके अंदर, सामूहिक धरना था ना, धरना नहीं यार, रोष है लोगों में, वोट नहीं देना मोदी। अगली बार क्या लग रहा है, 2024 में विपक्ष की सरकार आने वाली है या पीएम मोदी रिपीट करेंगे? नहीं, हम तो आपके खिलाफ रहेंगे, जब बीजेपी की आधी पक्के दो तीन बार से, पर आपके खिलाफ नहीं देंगे, हम चाह रहे हैं रिपीट ना हो किसी कीमत पे भी, आप कराया इसका अपने हाथ से, बीजेपी का पहले सपोर्टर थे, पैसे भी खर्च किए हैं, हाँ जी, लेकिन हम किसी कीमत में भी, पर अब क्या इसको 10-20% वोट रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।